तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे द्वारा यहां पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहां से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे परीक्षाओं से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा भूगोल विषय का, वो बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आप सबको कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके और साथ में दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के सभी उत्तर भी आपको समझ में आ सकें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास में सेट ए आता हो, बी आता हो, सी आता हो या डी आता हो, कोई सा भी सेट पेपर दोस्तों आपको देखने को मिले, मगर दोस्तों आज हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा इसमें से दोस्तों आपके पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसी के अलावा दोस्तों आपको पूरा भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको किस प्रकार से कर लेना है। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, आप सब लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये रहा दोस्तों आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मार्क्स। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिएगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपका आ जाएगा एशिया महाद्वीप में। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। देखिएगा दोस्तों, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, कृषि है, व्यवसाय है, उद्योग है, पशुपालन है। तो देखिएगा दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों व्यवसाय जो होगा तृतीय क्रियाकलाप होगा। आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, क्या लिखा है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका कैसा आ जाएगा, तो देखिएगा अनवीनीकरण संसाधन है। आप लोग इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे, द नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, पर आप लोग इसको लिख लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप दोस्तों इसको समझ सकते हो, जैसे कि हिंदी में मैंने आपको बताया है। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, बेंदा मध्य प्रदेश के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अबू जमाड़। किस जंगलों में रहता है दोस्तों, अबू जमाड़ के जंगलों में ये रहता है। उसी के अलावा ने से तक आयु वर्ग के कार्यरत जनसंख्या, देखिएगा दोस्तों इसमें आपको लिख लेना है 15 से 59 तक का आयु वर्ग कार्यरत जनसंख्या होता है। उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, संस्थापक सदस्य, देखिएगा भारत विश्व व्यापार के संगठन में कौन सा सदस्य है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है संस्थापक सदस्य, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य। क्या लिख लोगे आप लोग यहाँ से, आप लोगों को लिख लेना है चिकित्सा और स्वास्थ्य दोस्तों आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, ये दोस्तों इसके महत्वपूर्ण घटक है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, समतल क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना है आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ज़िले में है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों चंबा। कौन से ज़िले में दोस्तों, चंबा ज़िले में इस जनजाति के लोग रहते हैं।
उसी के अलावा दोस्तों आगे यहाँ से आपसे सही जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा, तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से सही जोड़ी को भी देख लेंगे। पहले नंबर की सही जोड़ी दोस्तों आपकी इससे मिल जाएगी, दूसरे नंबर की सही जोड़ी दोस्तों आपको इससे मिलान कर लेनी है, और तीसरे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर से आ जाएगा, और चौथे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको दूसरे से कर लेना है, और इसकी दोस्तों अगला जो ये दी गई है इसका मिलान दोस्तों आपसे इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसका सही जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। देखिएगा दोस्तों आगे यहाँ से आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है, इस प्रकार से आप लिख लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो देखिएगा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 लोग हैं भारत में, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखिएगा दोस्तों ये राज्य बिहार, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। कौन सा राज्य दोस्तों? ये बिहार राज्य है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। देखिएगा क्या दे रखा है, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिएगा दोस्तों बड़ी लाइन में इसकी दूरी होती है 1,616 मीटर, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ये दिलकर लिखा है दोस्तों, बदलकर कर ले आप लोग इसको। तो देखिएगा स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उसको कहते हैं दोस्तों झूमिंग खेती। क्या लिख लोगे आप लोग? झूमिंग खेती आप लोग लिख लेंगे इस जगह से, इसे ये कहा जाता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? देखिएगा दोस्तों महानगर की जो जनसंख्या होती है ना वो 40,00,000 से ऊपर होती है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर का आपका सत्य हो जाएगा, और सेकंड नंबर का जो दिया रखा है दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरे नंबर का दोस्तों आपका असत्य है, और उसी के अलावा दोस्तों अगला जो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आपका असत्य होगा, और ये सत्य है दोस्तों। पाँचवें चौथे नंबर का आपका सत्य है, पाँचवें नंबर का आपका दोस्तों ये फिर असत्य है, छठे नंबर का फिर वापस दोस्तों आपका असत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को सत्य असत्य लगा देने हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्या लिखा है, रेडजेल के अनुसार मानव बोल की परिभाषा लिखिए। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिएगा चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों को लिखिए। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषता लिखिए, व्यापारिक कृषि की 2 विशेषता लिखिए। यहाँ से दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षा में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन दिए गए, बस्ती के रेखीय प्रतिरूप को चित्र सहित समझाइएगा। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए, पूरा का पूरा दोस्तों A to Z क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। देखिएगा गैरिसन नगर किसे कहते हैं? प्रशासनिक नगर के 2 महत्व, प्रदूषक प्रदूषण में अंतर, आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको देख लेंगे। उसके अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसी के अलावा आगे कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, आप पूरा का पूरा दोस्तों क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से इसको तैयार कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उसी के और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।